जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री राम। और जिस तरह से सांबा में भव्य श्री अति विष्णु महायज्ञ चल रहा है और आज यज्ञ का समापन हो रहा है और इसी के ऊपर तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज, जिन्होंने एक भव्य जो यज्ञ है यहाँ पर करवाया और आज सांबा धर्म नगरी जो वो साक्षी बनाई इस यज्ञ की, और क्या कुछ विधियां रही आज के इस समापन समारोह के ऊपर, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। महाराज जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भव्य श्री अति विष्णु महायज्ञ आज सांबा में समापन हो रहा है, तो क्या कुछ विधियां आज आखिरी दिन पर रही हैं और आगे क्या कुछ विधियां होने वाली है कुछ देर में जो होंगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रद्धालु बैठ करके जो है अपने घर में आज जो ये दृश्य देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई हो। और जितने श्रद्धालु आपके चैनल के माध्यम से जो आपने बुलाए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। बहुत बढ़िया हुआ यज्ञ का पहला दिन जो था वो पूजन से शुरुआत हुई, फिर उसका पाप घट दान के साथ आगे बढ़ता रहा, अग्नि मंथन हुआ और आज भगवान की कृपा से जो है यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से यहाँ पे पूर्णाहुति का समय है और छोटी छोटी कंजकें आई एकत्रित हुई। आज सैकड़ों कन्याओं का आज पूजन हुआ है, कंजक पूजन। और इसी तरह से यज्ञ नारायण भगवान का जो है दिव्य अलौकिक दर्शन हो रहा है धर्म नगरी सांबा में, बुधवानी में जगन्नाथ भगवान के पावन चरणों में। ये यज्ञशाला जो बनी हुई है 108 हवन कुंड इसमें हैं और उन वीर सपूतों के चित्र लगाए गए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। उनके परिजन आए हुए हैं, उनके परिवार आए हुए हैं, विद्वान आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, साधु संत महात्मा का मान सम्मान हो रहा है। ये इतना बड़ा आयोजन हो गया है, वास्तव में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। आज भगवान की कृपा से श्रद्धालुओं के सहयोग से बहुत सहयोग किया है सभी जनता जनार्दन ने, क्षेत्रवासियों ने, यहाँ तहाँ सभी लोग, जहाँ जहाँ के भी लोग श्रद्धालु आए सबने तन मन धन से सहयोग किया, अन्नदान दिया। बहुत बड़ा लंगर लगा हुआ है श्रद्धालु। कल हमें पता चला 75-80 हज़ार लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज तो आप हम सब देख सकते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा, कई ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं और भगवान का यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में पूर्णाहुति होने जा रही है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जी ये जो कार्य हो रहे हैं ये भव्य कार्य किए गए हैं और सांबा के लोग ये चाहते हैं कि यज्ञ खत्म नहीं होने चाहिए और आगे अब क्या कुछ उम्मीद हम करें, क्योंकि सांबा धर्म नगरी अब एक पावनपुरी बन चुकी है। पावनपुरी बन चुकी है ये बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि हमारे सांबा ने पूरा साथ दिया, क्षेत्रवासियों ने पूरा साथ दिया है। और रही बात के श्रद्धालुओं की श्रद्धा की कि ऐसे यज्ञ हमेशा होते रहें, तो अब जैसा यहाँ की श्रद्धालु जनता आपस में विचार करेगी, हर प्रतिवर्ष तो नहीं लेकिन हाँ 3 साल में 4 साल में ऐसा थोड़ा सा एक अंतराल होना चाहिए, बीच में एकदम नहीं होना चाहिए। फिर श्रद्धा बनी रहती है, विश्वास बना रहता है, प्रेम बना रहता है। और जिन्होंने दान पुण्य करना है वो बेचारा थोड़ा कमा भी तो ले, तो इसीलिए क्योंकि यज्ञों में खर्च होता है, तो इसीलिए श्रद्धालुओं की मनोकामना जरूर पूरी होगी। भगवान यज्ञ नारायण से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हे यज्ञ नारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको सद्बुद्धि दें और इसी तरह से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। मैं सुनना चाहता हूँ, आप हर बार ये कहते हैं कि सभी धर्मों को हमें साथ लेकर चलना है, तो उसको लेकर क्या संदेश आप करें? सभी धर्मों को हम अगर साथ लेकर चलते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार का बैलेंस बन सकता है। और अगर हम 4 लोग चल रहे हैं और 2 लोग ही जोर लगा रहे हैं तो क्या होगा, दोनों पे बात ज़्यादा बेट पड़ जाएगा, भार पड़ेगा और वो हमारा गट्ठर जहाँ हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो काम खराब हो सकता है। अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर के जोर लगाएं, सभी एक साथ मिलकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बना करके रखें, वैमनस्यता ना फैलने दें, आपस में प्रेम बना के रखें, श्रद्धा रखें अपने अपने धर्म के प्रति, अपने अपने मजहब के प्रति और अपने अपने कार्य करते रहें। और सत्य सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं वो तो वैसे भी यही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारे यहाँ तो आरती भी गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे, कभी ये नहीं कहा गया कि ओम जय जो है हमारे घर के सांबा के भगवान हरे, जा राम जी के पूरा अयोध्या के ही राम हरे, नहीं, जगन्नाथ का नाम लिया जाता है, जगदीश सारे जग का जो ईश है उसके नाम से आरती भी गाई जाती है। तो इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना की जाती है, वसुदेव कुटुंबकम का पूरा पूरा निर्वहन
ध्यान किया जाता है, ये सत्य सनातन धर्म है, इसकी जय होनी चाहिए। और हमेशा मिल करके हम अपने सनातन को लेकर के चलें और सबका विकास हो, सबका साथ देते रहें और सबका भला हो, यही मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। चलिए महाराज जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थे हमारे साथ संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज, जो विस्तार से इस यज्ञ को लेकर बता रहे थे, जो आज यज्ञ समापन की ओर बढ़ रहा है और कुछ देर में ये यज्ञ जो समाप्त हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कार्य जो है ये महाराज जी ने यहाँ पर रचाया, सांबा धर्म नगरी शूरवीरों की धरती पर, और अब ये पावनपुरी सांबा बन चुका है, जिस तरह से एक विशाल जन सैलाबा में श्रद्धा का यहाँ देखने को मिला। तमाम अगर वीवीआईपी को लेकर बात करें तो वो यहाँ पर पहुंचे महाराज जी का आशीर्वाद पाने के लिए, और अलग अलग तरह की विधियां यहाँ पर जो हमें देखने को मिली इस यज्ञ में। और अभी भी आप देख रहे हैं कि महाराज जी से मिलने के लिए ये संगत का जो प्यार है वो हमें देखने को मिल रहा है, और कुछ देर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और वो फूलों से इस पूरे यज्ञशाला के ऊपर जो वो फूलों की वर्षा की जाएगी। और महाराज जी ने साफ तौर पर कहा कि सभी धर्मों को साथ मिलकर जो वो आगे बढ़ना चाहिए, उसे जो वो आपसी भाईचारा प्रेम जो जो है वो बना रहता है, और सनातन धर्म जो कि सबसे बड़ा धर्म है, और सनातन में यही सिखाया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, तो इसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। और इस तरह के कार्य आगे भी होते रहेंगे जो महाराज जी ने आज इस स्टेज से एक बार फिर ऐलान कर दिया है, जो यज्ञ शहीदों की याद में कराया जाता है। एक बार फिर से सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय बद्री विशाल जी की। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि कजूरिया, जेके मीडिया के।